सो फ्रेंड्स, मार्वल स्टूडियो अपनी मूवीज में काफी सारी हिडन डिटेल और ईस्टर एग्स डालते रहता है, जिन हिडन डिटेल्स के बारे में हर एक मार्वल फैंस जानना चाहता है। सो आज की इस एक और न्यू वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी की कुछ अमेजिंग हिडन डिटेल्स के बारे में। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इन्फिनिटी वॉर मूवी की स्टार्टिंग एक सिग्नल भेजने से की जाती है, जहां थॉर का एसगार्डियन सिर्फ हेल्प के लिए सिग्नल भेजता है। वहीं मूवी की एंडिंग भी एक सिग्नल भेजने के साथ ही की जाती है, जहां मूवी की एंडिंग में निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल को सिग्नल भेजते हैं और मूवी की स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट एवेंजर थॉर देखने को मिलता है। वहीं मूवी की एंडिंग में हमें लास्ट एवेंजर भी थॉर देखने को मिलता है। और जब एसगार्डियन सिर्फ से सिग्नल भेजा जाता है, तो सिग्नल भेजते समय हमें जिस व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि थॉर मूवी के डायरेक्टर केनेथ ब्रानाक की थी। सो जब फर्स्ट टाइम इवोनिमो अर्थ पर आता है टाइम स्टोन लेने के लिए, तो वहीं पर हमें पहली बार आयरन मैन का नैनोटेक आर्मर देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया कि टोनी के आर्मर के साथ साथ टोनी के सनग्लासेस भी नैनोटेक से बने हुए थे? यहाँ पर आप इस सीन में क्लियरली देख सकते हैं कि जब टोनी अपने सनग्लासेस निकालता है, तो वह सनग्लासेस टोनी के सूट के साथ मर्ज हो जाते हैं, जिसका सिंपल सा मीनिंग निकलता है कि ये सनग्लासेस भी नैनोटेक से बने हुए हैं। आपको ये तो पता ही हुआ कि टोनी अपनी गलतियों से सीखता है। जैसे सिविल वॉर मूवी में टोनी रोडी तक टाइम पर नहीं पहुंच पाया था, तो टोनी ने इसी से सबक लेते हुए इन्फिनिटी वॉर मूवी में अपने आर्मर में ये बूस्टर अपग्रेड कर लिए थे, जिससे वे कहीं पर भी टाइम पर पहुंच जाए। और वहीं जब सिविल वॉर मूवी में टोनी के आर्मर में एंटमैन घुस जाता है, तो कुछ देर के लिए टोनी का आर्मर डिस्टर्ब हो जाता है, और ऐसा दोबारा ना हो इसीलिए टोनी ने इन्फिनिटी वॉर में नैनोटेक आर्मर बनाया था। सो जब टोनी और थेनोस की फाइट होती है, तो थेनोस टोनी को हराकर टोनी को मारने के लिए चारों इन्फिनिटी स्टोन को एक्टिवेट कर लेता है। सो अब सवाल ये आता है कि थेनोस ने चारों इन्फिनिटी स्टोन को एक्टिवेट क्यों किया था? क्योंकि उस समय तक आयरन मैन इतना कमजोर हो गया था कि थेनोस आयरन मैन को इजिली मार सकता था। सो इसके पीछे का रीजन है कि टोनी को मारने का यही एक तरीका था, क्योंकि उस समय डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन था, जिससे कि वे टोनी को वापस रिवाइव कर सकते थे। यही रीजन होता है जिसकी वजह से थेनोस ने चारों इन्फिनिटी स्टोन को एक्टिवेट किया था। थेनोस पावर स्टोन को एक्टिवेट इसलिए करता है ताकि वे टोनी की बॉडी को वेपराइज कर सके, और सोल स्टोन को एक्टिवेट करता है ताकि वे टोनी की सोल को डिस्ट्रॉय कर सके। फिर रियलिटी स्टोन को एक्टिवेट करता है जिससे टोनी को ज्यादा से ज्यादा पेन हो। आखिरी में वे स्पेस स्टोन को एक्टिवेट करता है ताकि वे टोनी की वेपराइज बॉडी को यूनिवर्स के अलग अलग कोने में फैला दे, जिससे कि डॉक्टर स्ट्रेंज चाहकर भी कभी टोनी को वापस जिंदा ना कर पाए। स्कॉटलैंड में जब वांडा और विजन एक साथ होते हैं, तो वहां पर एक जगह न्यूज चल रही होती है, और उस न्यूज में टोनी स्टार्क की एक पिक्चर दिखाई जाती है। लेकिन एक्चुअल में इस फोटो को स्पाइडरमैन होमकमिंग के रेड कार्पेट के प्रीमियम के टाइम खींचा गया था, जिसे कि यहां पर न्यूज में यूज किया गया है। जब कल ऑब्सेडियन और प्रोक्सिमा मिडनाइट वकांडा में आते हैं और कैप्टन से बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर हमें कल ऑब्सेडियन का हाथ देखने पर पता चलता है कि कल ऑब्सेडियन ने कोई मेटेलिक हैंड लगा रखा है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस न्यूयॉर्क वाली बैटल में वॉन्ग ने अपने पोर्टल की मदद से कल ऑब्सेडियन का हाथ काट लिया था। इसलिए इस सीन में कल ऑब्सेडियन एक मेटेलिक हैंड का यूज करता है, जो कि हमें बताता है कि थेनोस की टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस है। सो टाइटन प्लैनेट पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज और थेनोस की फाइट होती है, तो थेनोस को कंफ्यूज करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जैसे कई सारे क्लोन बना लेते हैं, तो थेनोस यहां पर पावर स्टोन और सोल स्टोन का यूज करता है डॉक्टर स्ट्रेंज की रियलिटी जानने के लिए, और सोल स्टोन का यूज होने की वजह से यहां पर कुछ सेकंड के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल उनकी बॉडी से अलग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, एक सीन में स्टार लॉर्ड थेनोस को बैगन बोलता है, क्योंकि थेनोस नीले कलर का होता है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप इस सीन को इंग्लिश में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर स्टार लॉर्ड थेनोस को ग्रीमेस कहता है, और यहाँ पर ग्रीमेस वर्ड एक रेफरेंस था एक फिक्शनल कैरेक्टर का, जो कि थेनोस की तरह ब्लू कलर का होता है, जिसे कि मैकडोनल्ड ने 1971 में लॉन्च किया था अपने मार्केटिंग एफर्ट को बढ़ाने के लिए। सो जब थेनोस और गमोरा वॉर्मिर प्लैनेट पर सोल स्टोन लेने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर रेड स्कल थेनोस को सन ऑफ एलियास कर पुकारता है। इसका मतलब ये होता है कि थेनोस के फादर का नाम एलियास था। और वहीं बात करें कॉमिक बुक की, तो कॉमिक बुक में भी थेनोस के फादर का नाम एलियास होता है, और कॉमिक में एलियास इटर्नल्स का एक की मेंबर होता है। और साथ ही इसी सीन में आगे जब थेनोस गमोरा को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, तो हमें यहाँ पर गमोरा के आसपास काफी सारे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर गमोरा से पहले भी कई और लोग मर चुके हैं।
सो मूवी की एंडिंग में जब थॉर थेनोस के सीने में स्टॉर्म ब्रेकर मारता है तो थेनोस अपनी चेस्ट पर हुए घाव को हील करने के लिए ये टाइम स्टोन का यूज करता है। ये सीन बहुत फास्ट था इसलिए शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे मिस कर दिया होगा, लेकिन यदि आप इस सीन को स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि थेनोस की चेस्ट पर टाइम स्टोन के ग्रीन इफेक्ट दिखते हैं, यानी कि थेनोस ने जाने से पहले टाइम स्टोन का यूज किया था जिससे कि वे हील हो जाए। सो एक सीन में जब गमोरा और थेनोस साथ में होते हैं तो गमोरा थेनोस से कहती है कि मुझे इस चेयर से नफरत है, तो थेनोस गमोरा से बात करते हुए उस चेयर पर नहीं बैठता है बल्कि वह गमोरा की बात रखने के लिए वहीं पर नीचे बैठ जाता है, जो कि हमें बताता है कि थेनोस कहीं ना कहीं गमोरा से काफी प्यार करता था। सो मूवी की स्टार्टिंग में जब पेपर टोनी से पूछती है कि उनकी मैरिज कब होगी तो टोनी पेपर को रिप्लाई देते हुए बोलता है कि उनकी मैरिज 27 अगस्त को होगी। सो यहाँ पर इस डेट का यूज ऐसे ही नहीं किया गया था, एक्चुअली में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की रियल लाइफ में भी शादी 27 अगस्त को ही हुई थी सुजान डोनी के साथ, हालांकि वो बात अलग है, बाद में इन दोनों का डाइवोर्स भी हो गया था। सो टाइटन प्लैनेट के इस वाले फाइट सीन में हम देखते हैं कि सभी हीरोज अपने टेक की मदद से हवा में उड़ रहे थे, वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक की मदद से हवा में उड़ रहे थे और स्पाइडरमैन अपने इस वेब की वजह से हवा में झूल पा रहा था, लेकिन वहीं हम कुछ सीन्स में देखते हैं कि थेनोस भी काफी लंबी जंप कर पा रहा था। सो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो थेनोस का वेट इतना है कि वह इतनी लंबी जंप नहीं कर सकता है, और साथ ही थेनोस जंप करने के लिए कोई टेक का यूज भी नहीं कर रहा होता है, ना ही इन्फिनिटी स्टोन का यूज कर रहा होता है उड़ने के लिए। सो यहाँ पर अब सवाल आता है कि थेनोस इतनी लंबी जंप कैसे कर पा रहा था। सो इसका सिंपल सा आंसर है टाइटन प्लैनेट की ग्रेविटी, जो कि बहुत कम है, जिसका प्रूफ हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है, जहाँ पर मेंटिस बिना किसी एफर्ट के काफी हाईली जंप कर पा रही थी। सो टोनी का सूट जब भी कोई इक्विपमेंट यूज करने वाला होता है तो टोनी का एआई हमें स्क्रीन पर शो कर देता है, जिससे यहाँ इस वाले सीन में जब टोनी का आर्मर बूस्ट होने वाला था तो टोनी का एआई हमें स्क्रीन पर शो कर देता है, वैसे ही जब टोनी इन माइक्रो मिसाइल से थेनोस पर अटैक करने वाला होता है तो यहाँ पर हम टोनी की स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं माइक्रो मिसाइल के सिंबल को असेंबल होते हुए। और हाँ, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो रिक्वेस्ट है आप मेरे बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।